हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना आईसीआईसीआई बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस का। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं और करके दिखाने वाला हूं कि आपका सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस का कैसे खुलेगा और आप कैसे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और आपका पासबुक और आपका चेकबुक, इनफैक्ट आपका डेबिट कार्ड सब कुछ घर में रिसीव हो जाएगा एट होम। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है बाय icicibank.com सैलरी अकाउंट पर्सनल डिटेल्स, तो इस लिंक को क्लिक कर देना है। और एक बात, अगर आप अपने लिंक से बार बार ओपन करते हैं या लिंक पर क्लिक करके अगर आपके पास कुकीज और कैचेस है तो हो सकता है कि ये आपको एरर शो कर सकता है, 404 एरर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एरर दिखाता हूँ कैसा एरर शो करता है। तो अगर ये एरर आपको शो करेगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले आपको वो लिंक को पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ लिंक देख सकते हैं आप, सेम लिंक है, इसको मैं पेस्ट कर दिया और सर्च करता हूँ। देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ 404 एरर दिखा रहा है जो कि सर्वर का एरर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो ये अगर ऐसा एरर दिखा रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, ये लिंक फिर से ओपन हो सकता है। यही सेम आप लिंक को फिर से लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपका लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। ओके, तो फिर से मैं लिंक को पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको पेस्ट कर देते हैं, सर्च करते हैं। देख सकते हैं आपका इंस्टा सेव सैलरी अकाउंट ओपन हो चुका है। लिंक आईसीआई बैंक के तरफ से है, आईसीआईसीआई बैंक। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ, फिर आपको अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और उसके पहले आप इसको टिक मार्क को एनेबल कर लीजिए, आई हियर बाय पे क्लिक करके आप एनेबल करके अपना पैन कार्ड डिटेल्स को फिल कर लीजिए। पैन कार्ड अकाउंट नंबर जो है आपको, उसको नंबर को एंटर कर देना है। ओके, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 6 डिजिट का OTP आएगा जिसको आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं अपना OTP को यहाँ एंटर करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा अपने साइड से आपका नेक्स्ट पेज को ओपन करने के लिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये एरर भी शो कर रहा है तो फिर से आप ट्राई कीजिए, जरूर ओपन हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ये सबके साथ ही होता है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी के पास जाता है फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके फिर ये ऑन करता है। तो लोडिंग ले रहा है, अभी भी थोड़ा वेट कर लीजिए आप भी, अगर आपका में भी ये सेम शो कर रहा था, क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से वर्क करता है। देखिए, लोडिंग कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। ओके, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए और करेक्टली एंटर कीजिए, क्योंकि इसी नंबर पे आपका मोबाइल का OTP आने वाला है, क्योंकि ये OTP वेरीफाई करता है। फिर प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपका सेम नंबर पे ये OTP चेक करेगा, ओके, जिस पे आपने अपना आधार कार्ड का नंबर दिया है, ठीक है। तो ये आपको OTP रिसीव होगा, तो आप उस OTP को यहाँ एंटर आपको कर देना है। चलिए मैं अपना OTP को एंटर कर देता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा ये, और फिर आपका डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए, आपका मैरिड है तो आप मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहा है, तो मेरा ऑक्यूपेशन सैलरी है तो मैं सैलरी को सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओके, फिर यहाँ जॉब के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हैं, आपका सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर दूसरे प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पीवीटी लिमिटेड सेक्टर में है, पब्लिक लिमिटेड सेक्टर में है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो मैं अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट या जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिए, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, आप अगर अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके अपना इनकम रेंज को सेलेक्ट करना है। ओके, आपका जितना भी इनकम है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है, तो आप इतना सेलेक्ट कीजिए। मेरे 5 लाख है तो मैं 5 लाख सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आधार कार्ड का लास्ट कुछ डिजिट शो करेगा, केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए है। ओके, तो यह आप कंफर्म कर लीजिए अपना डिटेल्स को। ओके, आपका नेम शो करेगा, फिर आपका अगर आपके पास कोई नॉमिनी है तो आप ये टिक मार्क करके अपना नॉमिनी का डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जाके अगर नॉमिनी है तो यस, नहीं है तो नो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपको यहाँ एंटर करना है कुछ डिटेल्स। ओके, तो चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ के डिटेल्स। ओके, सबसे पहले फादर नेम से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको फादर नेम को एंटर कर लेना है। ओके, एंटर करने के बाद आपका मदर का नेम एंटर कर देना है। ओके, ये भी आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं स्पाउस में। ओके, आप देख लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो मैं अपना मदर नेम का एंटर कर लेता हूँ। चाहे तो आप नॉमिनी का भी नेम को एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए स्क्रॉल अप करके। आपको यहाँ कैलेंडर ओपन करके जो भी डेट है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कैसे ये प्रोसेस होता है ये आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट ऑफ करने के बाद आपको जो नेम है फादर नेम वो आप एंटर कर सकते हैं, फिर अपना मदर नेम का भी एंटर कर सकते हैं, और ये कंपलसरी आपको एंटर करना ही है। चलिए मैं एंटर करके दिखाता हूँ। ओके, जो भी नेम है आप मेंशन कर दीजिए, फिर आ जाता है डेजिग्नेशन के बारे में। ओके, यहाँ आप जो भी हैं उसके बारे में आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ओके, मैं यहाँ जूनियर मैनेजर मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपका नेम ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इयर्स, कितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आप वो मेंशन करके अपना एम्प्लॉय आईडी को मेंशन कर सकते हैं। ओके, और आप रीचेक कर लीजिए कि आपका सब डिटेल्स फिलअप है या नहीं। ओके, चेक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। देखिए कुछ डिटेल्स शो करने लगा यहाँ ऊपर,
यहाँ देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस वो शो करने लगेगा, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपके आधार कार्ड से। ओके, तो ये ऑटो फिल आपका आ जाएगा देता, तो डिटेल्स को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सब ओके है तो आप क्लिक करके प्लेस ऑफ बर्थ आप मेंशन कर दीजिए। ओके, मेंशन करने के बाद आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, नो नहीं हो सकता, तो आप यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों यस हो गया। नेक्स्ट स्क्रॉल करके आप डिटेल्स को अच्छे से रीचेक कर लीजिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, आपका स्टेट पिन कोड सब कुछ आप चेक करने के बाद सब ओके आपको लग रहा है, तो आपको नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा और आपका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स शो करने लगेगा यहाँ। ओके, आप पर्सनल डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो ऊपर आपको यहाँ करेक्शन का ऑप्शन है, तो आप पेंसिल पे क्लिक करके, पेन पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। ओके, छोटा सा आइकन है, उसको क्लिक करके फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं डिटेल्स को, और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा सब डिटेल्स ओके है, मैं अपना डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। सब ओके है। ओके, यहाँ आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपको सब ओके लगता है तो आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ये शो करने लगेगा, देखिए यहाँ आपका जो भी ब्रांच नेम है, आपका आईएफएससी कोड है। ओके, यहाँ आपको सब कुछ शो करने लगेगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, कंग्रेचुलेशन दिस वन, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे। ओके, तो आप यहाँ चाहें तो अपना केवाईसी वेरीफाई कर सकते हैं। केवाईसी वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है कि आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है, और आपको केवाईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको अपना डिटेल्स का, अपना पैन कार्ड, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करा देना है, तो आपका इंस्टेंट प्रोसेस है। ओके, इसको प्रोसेस करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, वो आप उनके जो एजेंट है वो आपको कॉल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, और आपके पैन कार्ड के कुछ डिटेल्स लेंगे, फिर आपको पैन कार्ड शो करने के लिए बोलेंगे। तो ये कुछ अकाउंट बेनिफिट्स है जो आप इस डिटेल्स को पढ़ लीजिए, सैलरी अकाउंट के लिए है। ओके, तो ये आप बेनिफिट को पढ़ सकते हैं, यहाँ आप जीरो बैलेंस भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, पर आप ट्राई कीजिए कि आपका अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हो। ओके, और आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी होगा, आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में और डेबिट कार्ड पे भी बहुत सारे ऑफर चलते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन के लिए, तो आप इसका एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और इसके चार्जेस भी देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और काफ़ी बेनिफिट है, और आप अगर चाहें तो आप इसमें अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीइंग ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, तो आपको सैलरी अकाउंट मैंडेटरी है, तो आपसे बोलते हैं, तो ये आप घर बैठे बैठे आप ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ आपके लिए था। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं खुला है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और अकाउंट इंस्टेंट खोलिए वो, और केवाईसी भी आपका घर बैठे बैठे हो जाएगा, आपको कोई बैंक में दौड़ने के चक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ये प्रोसेस कर सकते हैं। और आपका बहुत सारा प्यारा प्यारा कॉमेंट देख के, इतने सारे व्यूज़, इतने सारे फॉलोअर्स और इतने सारे अच्छे अच्छे लाइक्स देख के मुझे बहुत खुशी होता है और मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए
आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप उसको मिस ना कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।